अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, रेस देते हैं तो वो बिल्कुल सही चलती है, जब हम रेस छोड़ते हैं तो वो मिसिंग करती है या ऑटोमेटिकली वो रेस ज़्यादा कम हो जाती है, स्लो पे यानी कि बाइक खड़ी नहीं होती है, ठीक है, या बंद हो जाती है या मिसिंग करती है, जब रेस देते हैं तो बिल्कुल ठीक जा रही होती है। ये अक्सर बाइक से मसला आता है, और जब ये मसला आता है तो बहुत से लोग कार्बोरेटर पूरे का पूरा चेंज करा लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर छोटा सा एक पार्ट होता है, बहुत सस्ता आता है, आपने सिर्फ वही चेंज करना होता है। मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और बाद में मैं क्या चीज़ चेंज करूँगा कि ये ठीक बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बाइक को स्टार्ट करता हूँ, आप देखना स्लो पे या खड़ी नहीं होगी या बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही रेस दूंगा तब सही हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मिसिंग करेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब भी मैंने रेस दी है, मैंने रेस देकर बाइक छोड़ी है, तो वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे वापस आई है स्लो पे अपने, और जब भी स्लो पे आई तो मिसिंग कर रही थी, खुद ब खुद ही रेस से ज़्यादा या कम हो रही हो तो, और अगर स्लो पे खड़ी ना भी हो रही हो तो इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है वो हमें चेंज करना है। उसके लिए कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा, मैं कार्बोरेटर खोलूंगा भी सही, इसको साफ भी करूंगा, दूसरा पार्ट होता है वो मैं इसको चेंज करूंगा और फिर आप दोस्तों को दिखाऊंगा। सबसे पहले हम अपना कार्बोरेटर खोलते हैं। फ्रेंड्स कार्बोरेटर को खोलने के लिए आपको ये छह चीज़ें चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए 10 नंबर की, एक 4-साइडेड स्क्रू ड्राइवर जो हर घर में होता है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, एक आपको प्लास्टिक सिंपल, और थोड़ा सा पेट्रोल, और कोई भी आपका जो घर में पुराना ब्रश हो वो, ठीक है, चाहे बड़े साइज का हो चाहे छोटा हो, जिससे हम सफाई करेंगे कार्बोरेटर की। चलिए आप कार्बोरेटर खोलते हैं। सबसे पहले आपने ये पाइप उतार लेना है पेट्रोल का, सिंपल इसको ऐसे खींचेंगे और ऊपर करके रख देंगे ताकि पेट्रोल नीचे ना आए, आपने ये ऑफ रखना है। उसके बाद फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लेना है आपने, और यहाँ पर आके हल्का सा आप पीछे से ऐसे पुश करेगा तो ये खुल जाएगा, ये देखिए ढीला हो गया, उसके बाद ये ऐसे आप इसको हाथ से खोल लेंगे। ये खोलने के बाद आपने इसको सिंपल ऊपर की तरफ खींच लेना है, इसकी मैं आपको सेटिंग बाद में बताऊंगा। अब आपने लेनी है 10 नंबर की ये की, और एक ये और एक सेम उस साइड होता है, आपने ये खोलना है पेज, ठीक है। चलिए मैं इसे खोलता हूँ। तो ये देखिए ये आ गए हैं। अब उसके बाद आपने सिंपल अपने ये जो इसको आपने बाहर निकाल देना है, ठीक है, इसकी पोजीशन हम आप देखिए ये सही है कि नहीं है, ये सही है, ठीक है, इसकी सील ही काफ़ी हद तक अच्छी है। तो उसके बाद सिंपली आपकी बाइक में क्लिप शायद ना लगाओ, मैंने लगाया तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अब आपने अपने कार्बोरेटर से बाहर निकाल देना है। तो ये कार्बोरेटर है, ये ज़रा पुराना है, 2009 मॉडल चाइना का है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसको मैं साफ़ करता हूँ, ऊपर से भी साफ़ करूँगा, बट ऊपर से ये कुछ परमानेंट इसके ऊपर लगे हुए तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के लिए आपने एक ये स्क्रू खोलना है, सेम इस तरह का इस साइड पर होता है ये स्क्रू, ये भी आपने खोलना है। ये भी आपका क्या पता आपकी बाइक में इसी तरह का यहाँ पर लगाओ, लेकिन मेरे पास उस टाइम था नहीं तो मैंने ये वाला लगा लिया था, ठीक है। आपने एक ये खोलना है, एक ये खोलना है, इसको हम खोल लेते हैं। सबसे पहले आप एक हल्का सा खोल लेंगे, ये देखिए तो पेट्रोल निकलेगा, ठीक है, ये देखिए ये निकल रहा है, इसको ये देखो निकलने दे सारा, ये देखिए निकल गया। अब ये पेज आपने सारा खोल लेना, ठीक है। तो ये देखिए एक ये खुल गया, उसके बाद ये भी खोल लेते हैं। तो ये कार्बोरेटर आ गया, गंदा है अंदर से काफ़ी, और ये एक सील होती है रबर की, ये आपने लाजमी याद रखनी है, सब कुछ आपने अंदर रखी जाना है। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस चीज़ पर है, मैं खोलूँगा सारा, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, एक मिनट, इस चीज़ पर, ये छोटे जो स्लो जट है, तो इसको मैं खोलता हूँ। जो हमने चेंज करना है, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है,
वो प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, ठीक है, इस जेट की वजह से, ये जेट ख़राब हो चुका है। तो पहले मैं सारा खोल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या काम होता है। ये होता है हमारा स्लो जेट। तो ये देखिए, ये भी खुल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दो जेट्स का काम क्या होता है। जब आप अपनी बाइक को स्लो पे खड़े कर देते हैं, ठीक है, रेस नहीं दे रहे होते हैं, स्लो पे खड़ी होती है, तो पेट्रोल गुजरता है यहाँ से। जब आप रेस देते हैं तो यहाँ से गुजरता है, ठीक है, रेस देता है तो यहाँ से गुजरता है, जब रेस छोड़ देते हैं तब यहाँ से गुजरता है। ये होता है स्लो जेट। अगर आपका बाइक, आपने रेस दी है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और रेस छोड़ने पर आपकी बाइक मिसिंग कर रही है, तो आपने सिंपली इसको साफ़ करना है या इसको चेंज कर देना है। मेरा ये ख़राब हो गया तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब इसको आपने अच्छी तरह सारा पेट्रोल साफ़ करना है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसके साथ का है कि नहीं है, मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है, तो इसका नंबर कौन सा है मैं देख लेता हूँ। ये नज़र आ रहा है आपको, 3 और 5 एंड पर लिखा हुआ है, ये 35 नंबर का है। आपने अपनी बाइक के अकॉर्डिंग आपने डालना है, ये आपको 40 से 50 रुपये का आराम से मिल जाएगा, 35 है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं, मेरे पास एक डब्बा है पर आवा, तो इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास इसके साथ शायद हो। इस पर मैं कुछ अपने सामान रखता होता हूँ, तो एक मिनट ये मैं देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई है इसके अंदर ना। तो फ्रेंड्स, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। अब मैं ये डालूंगा, इसका नंबर भी 35 ही है फ्रेंड्स, ये भी 35 नंबर का है। अब ये न्यू वाला है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मैंने अब ये डालना है। अब सारा सामान ये लगेगा बाइक में, ठीक है। तो इसके लिए आपने देखिए ये भी खोल लेना है। अब तो ये आपने इस तरह बाहर को खींच लेनी है, आराम से आ जानी है। ये इसलिए हमने कहा था कि हमने सारा साफ कर दें, इसको भी आपने ऐसे अंदर डाल देना है। और ये आपकी बाइक का होता है न्यूट्रल वाल, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये यहाँ पर लगा होता है इसके अंदर ऐसे जाकर, ठीक है। जब मैं फिट करूँगा तब दिखाऊंगा आपको। आपने इसको भी एक दफ़ा यहाँ से सिंपली ऐसे करके बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने यहाँ से सफाई करनी है सारी, और ये हमारी बाइक का फ्लोट होता है। अब इन सबको मैं साफ़ करता हूँ जितना हो सके। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, पहले हम थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पर डाल देते हैं, पहले गंदे पेट्रोल साफ़ करेंगे, फाइनल कोट पे हम इसका जो नया पेट्रोल है वो डालेगा हर पार्ट पे। थोड़ा क्रीप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट साफ़ हो गया है। अब ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा, ये इसका रंग उतरा हुआ है, ये मैला नहीं है, ठीक है, इसकी यहाँ पर ये कोई गंदगी नहीं है, ये इसका रंग उतरा हुआ है, तो इसकी बिल्कुल खैर होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर ना, क्योंकि एक रंग उतरा है इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको साफ आपका होना चाहिए बिल्कुल साफ़, और ये किनारे भी साफ़ होना चाहिए इसके। इसी तरीके से बाकी भी साफ़ करते हैं। ये हमारा मेन, फ्रेंड्स आपने ख्याल करना है, ये तीन जो सुराख हैं ना, इनमें आपने अच्छी तरह पेट्रोल मारकर उनको साफ़ करना है, ठीक है, और बाकी भी, और यहाँ से भी सारा पेट्रोल डालना है, यहाँ से भी, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी। मैं इसको अब साफ़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी साफ़ हो गया है, इसके भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रंग इस तरह उतरा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं। आपने इसको साफ़ जगह पर रखना है, ठीक है, आपने ऐसे नहीं गंदी जगह पर रखना है, इसको भी जो पार्ट साफ़ हो जाए आपको साइड पर रखते हैं साफ़ जगह पर। उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन सबको आपने साफ़ करने हैं, तो बड़े ईजीली साफ़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये दो, ये आपने सही तरीके से साफ़ करने हैं, इसके आर पार नज़र आना चाहिए। अगर आपके पास हवा है तो आप हवा मारें, ठीक है, इसको।
छोटे पार्ट्स को सबको आप साफ कर लें अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स अब हम इसे दोबारा असेंबल करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले लगाना है अपना स्लो जेट, सिंपली ऐसे रखेंगे और पहले जितना हो सके हाथ से, उसके बाद बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इसको हल्का हल्का बंद करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो टूट गया तो ये काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये टाइट हो गया। अब सेम आपने ये लेना है और इस तरीके से पहले हाथ से, उसके बाद ये देखिए टाइट कर दिया। अब ये आपने लेना है, ये न्यूट्रल वाला लेना है, ये इसके अंदर आपने ऐसे गुजारना है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये आपने डालनी है इस सुराख में। ये डालने के बाद आपने सिंपली ये पिन लेकर आपने यहाँ से गुजार देनी है। ठीक है, ये हमारा कार्बोरेटर तैयार हो गया। सबसे मेन बात, ये रबर आपने देखनी है, अगर ये बिल्कुल घस चुकी है तो आप इसको चेंज कर लें। ये किनारे सारे आपको साफ होने चाहिए, इसके बीच में आपने ऐसे रख देनी है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं आएगी। ठीक है, जब आप बाद में रहते हैं ना ऐसे बिल्कुल फिक्स नहीं आती, तो आपने बस जहाँ जहाँ पर आए थे आपने ऐसे रख देना है इसको, उसके बाद सिंपली आपने इसको बंद कर देना है। फिर एक ये आप इधर से ऐसे गुजारेंगे और इधर से ऐसे, अब आप इसको टाइट कर देंगे। दोनों बराबर टाइट करने हैं। तो फ्रेंड्स ये टाइट हो गया, अब हमारा जो कार्बोरेटर है तैयार हो गया। अब हम इसको लगाते हैं बाइक के ऊपर और मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी आवाज़। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक ये सील आपके बिल्कुल फ्लैट ना हो, थोड़ी सी बाहर निकली हो, और एक ये सील, ठीक है, ये छल्ला सा होता है उसके अंदर, तो ये इस पर ऐसे लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अभी ये दो स्क्रू लगा देने हैं। एक इस साइड पर और एक उस साइड पर। इसको आपने अच्छे से टाइट करना है। फ्रंट के पेज टाइट करने के बाद आपने ये जो आपके आ रही है ना ऊपर से सिलाई आ रही है, इसको दोस्तों आपने ये जो कट आ रहा है ना ये आपने इस साइड पर रखना है। जो आपके ओल्ड मॉडल है उसकी ये चीज़ इस साइड पर होगी, न्यू मॉडल जो 2013 से ऊपर है उसकी ये चीज़ उस साइड पर होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया है इसको, ये जो चीज़ है ये मैंने इस साइड पर रखी है। ठीक है, इसके मुकाबले में तो ये देखिए ये आराम से चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा आराम से। उसके बाद आपने इसको सिंपली ऐसे रख के बंद कर देना है। बस ये हो गया। अब आपने ये पेट्रोल का पाइप लगा देना है, पेट्रोल ऊपर से कर देना है ऑन। अब मैं आपको एक साउंड चेक कराता हूँ। पेट्रोल थोड़ा सा ना नीचे आने दे, अभी इसको थोड़ा नीचे आएगा ना, ज़रा नीचे तक पहुँचेगा, हर जगह पहुँचेगा, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आपको बाइक की बात भी चेक कराई है, बिल्कुल ठीक हो गई है ये बाइक। अगर आपके साथ अगर ऐसा मसला आ रहा है कि स्लो पे खड़ी नहीं हो रही, तो आप इसका एग्जैक्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप दोस्तों को समझाने की। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।